नमस्कार, मैं अनुराग। आप लोग देख रहे हैं पोमटॉय अनुराग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब से मैंने ये नैन्सी लिया है, बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या मुझे ये जर्मन शेपर्ड डॉग लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जर्मन शेपर्ड डॉग लेने का कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान, जो कि आपको लेने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, ये वीडियो बड़ा ही खास होगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक जर्मन शेपर्ड रखने का क्या नुकसान है। दोस्तों, आप लोग इसको नुकसान नहीं भी बोल सकते हो, बस आप लोग इसको रिसोर्सेज का कमी बोलो। दोस्तों, स्टार्टिंग में क्या होता है कि कुछ बच्चे ये जर्मन शेपर्ड डॉग ले आते हैं जिद करके। बच्चे में तो ये सारे बहुत ही छोटे होते हैं, बट जैसे ये एडल्ट होता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और उसके बाद ये खाना भी बहुत ज़्यादा खाता है। दोस्तों, एक स्पिट्स डॉग के कंपेरिजन में एक जर्मन शेपर्ड बहुत ज़्यादा खाना खाता है। इसको चिकन का क्वांटिटी भी ज़्यादा चाहिए, मल्टीविटामिन, कैल्शियम या फिर और भी सारे जितने भी सप्लीमेंट हैं उसका क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा चाहिए। स्टार्टिंग में आपको इसका खर्चा बहुत ही कम लगेगा क्योंकि ये पप्पी है, बट जैसे ही बड़ा होगा इसके खाने का खर्चा, सप्लीमेंट का खर्चा और इसके ऊपर जितना भी खर्चा होगा आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। लेकिन आपके पास यदि रिसोर्सेज की कमी नहीं है तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, स्टार्टिंग में आप लोग अपना बजट देख करके फिर एक डॉग खरीदिए। अब दोस्तों, मैं आपको दूसरा नुकसान एक जर्मन शेपर्ड डॉग के बारे में बतलाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये डॉग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को डॉग रखने का एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत सारे लोग अपने जर्मन शेपर्ड डॉग को सही तरीके से नहीं ट्रेन कर पाते हैं, उसको सही तरीके से सोशलाइज नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से इसका बहुत ही ज़्यादा पावर होने के वजह से ये चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। आपके घर के आसपास कोई छोटा बच्चा हो, कोई जानवर हो, तो उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो दोस्तों, यदि आपको डॉग रखने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक जर्मन शेपर्ड को प्रीफर मत कीजिए। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें समझ आता है कि डॉग को कैसे रखना है, किन किन चीज़ों से इसको मना करना है, सारे चीज़ें वो अच्छे तरीके से समझा देते हैं। तो आप लोग यदि फर्स्ट टाइम ऑनर भी हो तो डॉग को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, जर्मन शेपर्ड डॉग लेने का यही दो नुकसान हो सकता है अगर कुछ होगा तो, लेकिन इसके अलावा कोई और भी नुकसान नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको इसका फ़ायदा बतला देना चाहता हूँ कि जितने भी जर्मन शेपर्ड डॉग होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जितना आप लोग एक्सपेक्ट करोगे उससे ज़्यादा ये इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत सारे चीज़ों को बहुत ही जल्दी कैच कर लेते हैं। यदि आप लोग इसको कोई भी ट्रेनिंग देते हो बचपन में या फिर एडल्ट में भी, तो ये बहुत ही जल्दी कैच कर लेगा। इसी तरीके से इसको आर्मी में या फिर पुलिस वाले भी बहुत ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इस डॉग को और लेब्राडोर डॉग को। अब दोस्तों, मैं आपको दूसरा एडवांटेज ये बतलाने वाला हूँ कि ये आपके घर में यदि है, क्यों ना ये फ्रेंडली ही है, आपके घर में कोई चोर जल्दी नहीं घुसेगा। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर मैं इसको अपने साथ ले जा रहा होता हूँ रास्ते में भी, तो आसपास के लोग साइड हो जाते हैं, रुक जाते हैं और मेरे से पूछते हैं कि ये काटेगा तो नहीं। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हो कि यदि इस टाइप का मेंटलिटी ये लोगों में बना रहा है तो आपके घर में कोई घुसेगा या फिर नहीं घुसेगा, आपके घर को बहुत ही अच्छे तरीके से गार्डिंग करेगा। और दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, जिसके वजह से आपको इसका रेगुलर एक्सरसाइज, कम से कम दिन में 1 से 2 घंटे तक आपको घुमाना पड़ेगा इसको, और इसका ग्रूमिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ये डॉग बहुत ही ज़्यादा मेंटेन रहेगा और ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। दोस्तों, ये नैन्सी है, एक फीमेल जर्मन शेपर्ड है, मैंने इसको एडल्ट में ही ख़रीदा था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, घर वालों को बहुत ही अच्छे तरीके से जान गई, समझ गई, और घर के चीज़ों को भी, जैसे कि मेरे पास जितने भी डॉग्स हैं सबको ये बहुत ही अच्छे तरीके से पहचान गई और सारे का गार्डिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेती है। रियली एक जर्मन शेपर्ड डॉग बहुत ही मस्त डॉग होता है। यदि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप लोग अपने घर में एक प्यारा सा ये डॉग रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के रेड कलर में आपको नीचे सब्सक्राइब मिल जाएगा और बाद में बेल के आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे सारे आने वाले वीडियोस आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।